हमें जब भी किसी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना होता है तो सबसे पहले हम अपनी वॉच लिस्ट को देखते हैं, लेकिन वॉच लिस्ट के अंदर तो हमें स्टॉक्स की लिस्ट दिखाई दे जाती है जिससे हम अपने फेवरेट वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं अपने फेवरेट स्टॉक्स को। लेकिन कैसा रहेगा कि आप अपनी वॉच लिस्ट को अलग अलग कलर्स के अंदर आप टैग कर पाएं और आप डिफाइन कर पाएं कि कौन से स्टॉक्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है और वो कौन सा कलर का होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं अगर ईवी को यूज करता हूँ ग्रीन कलर के लिए, ईवी के जो स्टॉक्स हैं, और जो आपके सोलर एनर्जी हैं उसको हम येलो के लिए सेलेक्ट करते हैं, और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी को या फिर पेट्रोलियम को हम लोग अगर ब्लू से यूज करते हैं, यानी कि ब्लू कलर का अगर हम लोग टैग देते हैं तो काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा और काफी ज्यादा पर्सनलाइज्ड रहेगा, और जब भी हमें इन्वेस्ट करना रहेगा तो काफी आसानी से हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो देखिए, इसे करने के लिए हम जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं वो है धन। अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे फ्री में ओपन कर सकते हैं, साथ ही में आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी आप इसके एप्लीकेशंस को फ्री में डाउनलोड करके फ्री में अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग अपने वॉच लिस्ट के स्टॉक्स के अंदर हम लोग कलर को अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हमारा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा हो जाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे हमारे पास धन ऐप का होम पेज यहां पे ओपन है। अभी हम लोग यहाँ पे वॉच लिस्ट के सेक्शन में जाएंगे। अगेन हम लोग यहाँ पे वॉच लिस्ट के अंदर आ गए हैं, जिन स्टॉक्स को मैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर मैं रखता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे अलग अलग स्टॉक्स की यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई देगी। अब जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर मैं यहाँ पे कलर लेवल को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा और यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस पे मैं प्लस करूँगा, और यहाँ पे अगर मैं ब्लू को अगर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ब्लू लेवल ऐड हो गया है। अगेन हम अगर यहाँ पे बैक आके देखेंगे तो फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके अंदर वॉच लिस्ट के अंदर ब्लू कलर का लेवल यहाँ पे ऐड हो गया है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमें कलर को ऐड करना है, तो फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कलर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पर्पल अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो फिर यहाँ पे पर्पल कलर का यहाँ पे लेवल ऐड हो जाएगा। तो आप अपने स्टॉक्स को, सेक्टर को, अपने फेवरेट ग्रुप्स को आप अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, और साथ ही में निफ्टी 100 के अंदर जितने भी स्टॉक्स से इन्वेस्टेड हैं उसके अंदर आपको कलर लेवल्स धन के तरफ से पहले ही देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पहले से आपको लेवल उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब ये था मोबाइल का ट्यूटोरियल। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अपने वेब वर्जन पे कैसे हम लोग इन सारी चीजों को कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वॉच लिस्ट बनी है, जिसका मैंने फर्स्ट वॉच लिस्ट का नाम मैंने दिया है। ये कोई स्टॉक्स की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं। अभी यहाँ पे मैं मोर पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कलर लेबल। अभी मैं चूंकि ये हाउसिंग डिपार्टमेंट से है, NBFC है जो ये जिस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन को सेलेक्ट कर देगा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ग्रीन कलर का यहाँ पे हो गया है, और साथ ही में आप देख पाएंगे यहाँ पे जैसे पेट्रोलियम का है स्टॉक, तो फिर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कलर लेबल यहाँ पे ब्लू कलर का। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये अलग से यहाँ पे क्लासिफाई हो गया है। और अगर आप इसके अंदर से अपने स्टॉक्स को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं या फिर कलर्स को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कलर लेबल पे जाके यहाँ पे अगर मैं क्रॉस कर देता हूँ तो फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ से लेबल हट जाएंगे, और फिर से अगर मैं किसी और कलर को अगर इस्तेमाल करना चाहूं तो किसी और कलर का भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी ज्यादा आसान हो जाता है कलर लेबल्स को यूज करना अपने वॉच लिस्ट के अंदर। तो इस तरीके से आप धन ऐप के अंदर और वेब वर्जन के अंदर आप लेबल्ड वॉच लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे आसानी से। एक चीज मैं आपको बता दूं, जिन स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अंदर से आप कलर्ड लेबल जो कि वॉच लिस्ट के अंदर आप ऐड करते हैं उसे आप नहीं हटा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।